नमस्ते, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ प्रियंका शर्मा और आज मैं मखाने की एक स्नैक रेसिपी बनाने जा रही हूँ। आप इसे मखाना चिवड़ा या मखाना नमकीन भी कह सकते हैं। मखाने में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वेट लॉस में मखाने हेल्प करते हैं। अगर आपको हल्की फुल्की भूख लगी है तो ये आप जल्दी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। अगर आपका व्रत है तब भी आप इसे खा सकते हैं, क्योंकि हम मखाने व्रत में भी खाते हैं। ये मेरी फेवरेट स्नैक रेसिपी है, क्योंकि ये बहुत ही क्विकली बन जाती है और इसके हेल्थ बेनिफिट्स तो बहुत ही ज़्यादा हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। लेट्स गेट स्टार्टेड। मखाना नमकीन बनाने के लिए मैंने लिए हैं 2 कप मखाना, 2 टेबलस्पून बटर, 2 टेबलस्पून राई, 3 से 4 टेबलस्पून मूँगफली, 10 से 12 कड़ी पत्ते, 2 हरी मिर्च और 1/2 टेबलस्पून सेंधा नमक। तो चलिए चलते हैं कुकिंग की प्रोसेस में। गैस स्विच ऑन करके कढ़ाई में बटर डाल दें। बटर की जगह आप घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब बटर या घी पिघल जाए उसमें हम ऐड करेंगे राई। मैं 2 टेबलस्पून राई ऐड कर रही हूँ। अगर आप व्रत में राई नहीं खाते हैं तो आप ना डालें। राई को अच्छे से पकने देंगे हम। राई चटकनी चाहिए घी में या बटर, जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्च। मैं यहाँ 2 हरी मिर्च ऐड कर रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा तीखा खाना पसंद है तो आप 2 हरी मिर्च डाल दें, और अगर तीखा नहीं चाहिए आपको तो आप मिर्च ना डालें। इसमें हम ऐड कर लेंगे 10 से 12 कड़ी पत्ते। कड़ी पत्तों का फ्लेवर मखाना नमकीन में बहुत ही अच्छा आता है। अगर आप कड़ी पत्ते व्रत में खाते हैं तो आप ये ज़रूर डालें। और साथ ही इसमें ऐड कर लेंगे मूँगफली। मैं यहाँ रोस्टेड मूंगफली ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास रोस्टेड मूंगफली नहीं है तो आप पहले मूंगफली को रोस्ट कर लें, उसके बाद इसमें डाल दें। थोड़ी देर तक इन सभी चीजों को अच्छे से पकने देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे सेंधा नमक। मैं यहाँ 1/2 टेबलस्पून सेंधा नमक ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे मखाने। थोड़े थोड़े करके मखाने ऐड करेंगे इसमें, एक साथ मखाने ऐड नहीं करेंगे, नहीं तो तड़का अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएगा मखानों में। जैसे ही आपको लगेगा आधे मखानों में मिक्स हो गया है तड़का, आप बाकी बचे हुए मखाने इसमें डाल दें और सभी मखानों को अच्छे से मिक्स कर लें तड़के में। गैस का फ्लेम आप मीडियम या लो ही रखें। अगर आप हाई फ्लेम पर मखानों को पकाएंगे तो मखाने जल सकते हैं और काले हो सकते हैं, इसलिए गैस का फ्लेम मीडियम या लो ही रखें। थोड़ी देर तक मखानों को लगातार इस तरह से चलाते रहें। सभी स्पाइसेस का टेस्ट मखानों में अंदर तक आना चाहिए। मखाना नमकीन व्रत के लिए बेस्ट रेसिपी है। इसके 2 रीज़न हैं। एक तो ये कि मखाने सेहत के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, व्रत में हमें अच्छा और हेल्दी खाना खाना चाहिए। और दूसरा, बहुत ही क्विकली तैयार हो जाते हैं। हार्डली 8 से 10 मिनट लगेंगे आपको मखाना नमकीन तैयार करने में। मखाना नमकीन बनकर बिल्कुल तैयार है और मैंने मखाना नमकीन को सर्विंग बोल में डाल दिया है। आप ये रेसिपी व्रत में ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही क्विकली बन जाते हैं, बहुत ही हेल्दी हैं और साथ ही साथ बहुत ही टेस्टी भी हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।